मैं एक वीडियो देखा हाँ। सब कोर बैच ये बोल, अरे भाई कोर कौन से थ्रेड्स क्या है, आपको मालूम है इंटेल में थ्रेड्स नहीं बढ़ाई है। चारे लोग चूतिया लोग, क्या बोलूं मैं, गाली देने का मन है। i9 को राइजन 7 से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही बोलूं, 100 रुपए में कोई भी आप चीज परचेज करते हैं, 100 रुपए वाली से बेस्ट क्या है, और 100 रुपए वाली से ही करो। बट मेरे जैसे गरीब के पास पैसा नहीं होता है तो क्या करे, मेरे को DDR4 में भी बनाना पड़ता है, तो या तो बोर्ड का प्राइस कम करो या रैम। हाँ आने वाला टाइम में रेट कम होगा तब अच्छा रहेगा, बट फिलहाल तो मर रहे है ना। तो अभी देख सकते हैं एक बार, ये राइजन नहीं है, राइजन नहीं, इधर से एक बार ये जो हम पिन की बात कर रहे हैं ये है, अगर फोकस में आ रही हो तो ठीक है। जैसे कि कोई एक हट्टा कट्टा आदमी, 2 आदमी 10 आदमी का काम कर दे, और वो मरे हुए मेरी तरह सड़े हुए आदमी 10-20 भी लाओ तो मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे करेंगे। प्रोसेसर में भी कुछ मतलब स्कैम वगैरह होता है कि किस तरीके से कस्टमर घुमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रोसेसर बाइंग गाइड, ठीक है ना। अगर आप एक पीसी बिल्ड करा रहे हो तो पता ही आपको भाई प्रोसेसर के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। एक पिछली वीडियो बनाई थी हमने जिसपे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम कुछ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि पिछली वीडियो में रह गई थी और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक प्रोसेसर बाय करते समय। तो अभी मेरे साथ में है ओम भाई। ओम भाई कैसे हो आप? कैसे हो दीपक भाई? बहुत बढ़िया ओम भाई। पहले तो एक बार ये बताइए कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का? एक्चुअली मेरे को 10 ईयर्स हो गया इस फील्ड के अंदर। 10 साल से कहाँ से कहाँ तक हम आए वो मैं बता सकता हूँ पूरा आपको। तो मतलब एक फील्ड लेवल की है, एक मतलब डीप लेवल की नॉलेज है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम सिर्फ जो लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर है उनके बारे में बात करेंगे, 12, 13 और जो अभी AMD के नए प्रोसेसर आए उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में यार बहुत सारी बातें की थी, ठीक है। तो अभी मेरे को आप ये बताइए, अगर कोई ले रहा है मतलब अभी जो नई जनरेशन आई पहले, तो उसके बारे में बात करते हैं, इंटेल में AMD में क्या क्या चेंजेस है। मैं सीधा बोलता हूँ, इंटेल 13 जनरेशन इज द बेस्ट CPUs, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े हीट होते हैं, हीट होने के लिए आप लोग उसके ऊपर स्टॉक कूलर नॉर्मल यूज नहीं करना है, आपको लिक्विड कूलर या अच्छा वाला स्टॉक कूलर यूज करना है, जो साथ में आता है वो यूज करना ही नहीं। हो सके तो लिक्विड कूलर में जाओ 240 या एयर कूलर नॉक्टो में जाओ, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है। इसके अंदर 5000 छोटे छोटे टूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, तो उसके अंदर लाइट भागती है। तो आप क्या करते हो, नया लेते हो तब उसकी प्राइस जैसे रेंडरिंग 1 मिनट में हो रहा है, okay। जब आपका सीपीयू 1 साल के बाद देखो तो 10 मिनट लगता है। क्यों लगता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आप सीपीयू यूज करते हो ना उसके ऊपर नॉर्मल कूलर होता है, वो ज्यादा हीट होता है, और जिस हीट में भी आप चलाते हो तो उसकी जो लाइफ है धीरे धीरे डाउन होती है। तो जब जितना सीपीयू ठंडा रहेगा ना वो आपके लिए सही रहेगा, तो उसके ऊपर आप हीट सिंक अच्छे से अच्छा डालो। सेकेंड वन, गेमर हो सबके लिए बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ सीपीयू के अंदर क्या चीज आपको देखना है। जैसे कि i5 अपना 13 जनरेशन है, इसके अंदर कितने कोर है, 14 कोर है, 20 थ्रेड है, 25 KSMB है, 5.2 GHz है, करेक्ट। नो डाउट इससे बेस्ट सीपीयू इस प्राइस में कोई नहीं है। बट एक और चीज बताता हूँ, रियल कोर 6 कोर ही है भाई, रियल कोर 6 कोर ही है, जो परफॉर्मेंस कोर होता है, ओके, जो आपकी एडिटिंग स्ट्रीमिंग हर चीज में काम आता है। जो 8 कोर है वो एफिशिएंसी कोर है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz से लेकर 4.3, वो आप देखते नहीं ना इसकी वेबसाइट पे, आप तो टोटल देखते हो 5.4 GHz, वो एफिशिएंसी कोर की परफॉर्मेंस है। सेकंड होती है LKSMB, तो यहाँ पे KSMB में AMD से बेटर इंटेल है, क्योंकि L1 है इसमें 1 MB सबसे फास्ट है, बाकी था L2 वाला वो इसमें जैसे कि 20 KSMB है, इसके अंदर भी 20 KSMB, L2 देखना, L3 KSMB देखना ही नहीं। उसके बाद आता है क्लॉक स्पीड भी, तो इसमें इसने बाजी मारी है अपना राइजन ने, जैसे कि इसकी क्लॉक स्पीड होती है राइजन की 4.2 GHz, तो जैसे कि इसकी क्लॉक स्पीड है 3.2, बट इसकी हाईएस्ट स्पीड है 5.4 है, बट इसकी भी 5.4 है, बट स्टार्टिंग बेस जो स्पीड होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो इसमें अपना राइजन बेस्ट है। और मेरे हिसाब से फिलहाल बजट में सबसे बेस्ट सीपीयू है i5 13 जनरेशन 13600K, जिसके अंदर एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को जब रेंडरिंग के टाइम में दोनों काम होता है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपकी सेना है, सेना के अंदर जो इसमें 6 कोर है ना, वो सेनापति वो मेन काम देखते हैं, ठीक है, वो जब उसका काम होता है तभी देखते हैं, जो बाकी वो आपकी 8 है आपकी सेनापति जो सेना है वो आपके साइड के काम करते हैं। वॉर में होता है ना सेनापति मेन होता है, बाकी पीछे वो काम होता है, नॉर्मल काम ये करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल यूट्यूब पे देख रहे हो कुछ छोटे मोटे काम करते हो, तो एफिशिएंसी कोर परफॉर्मेंस कोर आपके उस टाइम एक्टिव नहीं होते, परफॉर्मेंस कोर आपके कब जब रेंडरिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग करते हो ना जो हैवी काम उसके लिए काम आते हैं। तो ये मतलब आपको पता चल गया। और एक चीज बता दो के बारे में, इसके अंदर पूरा परफॉर्मेंस कोर ही है, ठीक है ना। आप कभी भी है ना कोर देख के मत लो, पहले AMD वाला कर रहा था ना ट्रेड ज्यादा है कोर ज्यादा है, नहीं देखना है, आप दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का
इसका टोटल एवरेज कितना अच्छा था वो देखना है। नो डाउट एडिटिंग के लिए अच्छा है, बट इसमें पूरे परफॉर्मेंस स्कोर है तो वो भी देखना है। जैसे कि इसमें 6 कोर है, राइजन में भी 6 कोर है, इसके अंदर 8 कोर है, i7 में भी 8 कोर, बट इसके अंदर राइजन के अंदर परफॉर्मेंस स्कोर 12 है, इसमें 8 ही है। दूसरा सब एफिशिएंसी कोर है, इसके अंदर 8 कोर ही है, जो दूसरे बाकी बटन है ना सब एफिशिएंसी कोर, वो काम आते हैं, बट इंपोर्टेंट कोर ही काम है, इंपोर्टेंट कोर वो मेन इंपोर्टेंट होते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये, जब भी आप ले रहे हो तो कोर देखो, पूरा वेबसाइट पे जाके पूरा रिसर्च करके बाद में लो। कैसे मत देखो कोई क्या इसका बोल रहा है मालूम है आजकल? सर इसमें 14 कोर है, राइजन 9 में 12 कोर ही है, गो फॉर दिस वन, नहीं देखने का है कौन सी कोर टेक्नोलॉजी है, कौन सा है, सब कुछ देखना है। बेस्ट कौन सी होती है? देखो एडिटर है तो मैं उसके लिए i9 13 जनरेशन बेस्ट है, क्योंकि 5.8 गीगा से एफिशिएंसी कोर भी काम आता है, बट गेमिंग के लिए मुझे लगता है राइजन सही है और इंटेल में भी 13 जनरेशन सही है, 12 जनरेशन मैं सजेस्ट नहीं करता, नहीं करते। तो मतलब जो परफॉर्मेंस कोर है और एफिशिएंसी कोर है, एक्चुअली मैं एक ही बताऊं, अपना एप्पल का iOS, iOS और एंड्रॉइड को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का काम अलग है, बट दोनों को कंपेयर नहीं, बोथ इज अ बेस्ट। आपको क्या डिसाइड करना, आपका पर्पस क्या है, पूरा चेक करो गूगल सब जगह, लास्ट में डिसाइड लो, सबका सुनने के बाद खुद का डिसीजन लो, फिर बाय करो। ऐसा नहीं कि सर कोर ज्यादा ले लो, मैं एक वीडियो देखा सर कोर बेसी है, अरे भाई कोर कौन से है, थ्रेड्स क्या है, आपको मालूम है इंटेल में थ्रेड्स नहीं बढ़ाई है, एफिशिएंसी कोर से ज्यादा 14 कोर है ना, तो इसकी थ्रेड्स होनी चाहिए थी 42, वो क्यों नहीं बढ़ाई भाई, वो एक प्रकार की, वो भी कोर ही, थ्रेड्स भी एक प्रकार का कोर ही है ना, ऐसे छोटे लेवल का। तो अभी मेरे को आप ये बताओ, जो परफॉर्मेंस कोर है और एफिशिएंसी कोर है, परफॉर्मेंस कोर किस लिए काम आती है और एफिशिएंसी कोर किस लिए? परफॉर्मेंस कोर अपने पर्टिकुलर, जैसे कि आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, मेन काम में परफॉर्मेंस कोर आता है, ठीक है, और दूसरा छोटा काम में एफिशिएंसी कोर, बट रेंडरिंग करते हो तो जब तक इस पे भी लोड होता है ना, तो जो बाकी शेयर हो जाता है तो वो एफिशिएंसी कोर भी काम, ठीक है। तो अपने यूज के हिसाब से आपको जो कोर ज्यादा चाहिए वो लो। अभी बात करते हैं कैचे के बारे में, तो L1 L2 L3 के बारे में आपने बात किया, L1 इसके अंदर कभी बॉक्स के ऊपर लिखा था 24, इसके ऊपर लिखा 75, ओके वो नहीं देखना है, वेबसाइट पे जाओ, L1 कैश MB है, वो 1 MB 1.2 MB आता है, सबसे बेस्ट है भाई, वो जिसमें मिले वो हमेशा लो, L1 से ऊपर होना चाहिए, बाकी आता है L2 पे ज्यादा फोकस करो, L2 जितना अच्छा रहेगा वो, और L3 में मेरे हिसाब से उसको काउंट नहीं करता, L3 देखने नहीं चाहिए, L2 जिसमें ज्यादा है वो लो, L3 ठीक है काम आता है, बट वो लेवल का नहीं, जैसे कि एफिशिएंसी कोर परफॉर्मेंस कोर है ना, उस टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें, अभी इंटेल में भी है और AMD में भी है, मतलब जो इंटेल का जो चिपसेट है वो पहले से मतलब एक जैसा है, अभी AMD ने कुछ चेंज किया था 7000 सीरीज में, मतलब देखो AMD की ये चीज मेरे को अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है, आने वाला टाइम इसका है, नो डाउट ये कुछ नया लेके आएगा, क्या बताता हूँ। ओके, एक तो इसने पिन रिमूव कर ली, तो पिन डैमेज होने का चांस, वो ही मैं बोला था, वो सबसे ज्यादा वो डैमेज हो जाता है, सिंपल ही बनाया, मैं आपको एक ओपन करके बताता हूँ। अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं भाई, अभी आप देखो, ठीक है, मतलब क्या चेंज हुए, पहले AMD में पिन रहती है ना, वो अभी मतलब 7000 सीरीज में रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं एक बार, ये राइजन नहीं है, करेक्ट, राइजन नहीं, इधर से एक बार, ये जो हम पिन की बात कर रहे हैं ये है, अगर फोकस में आ रही हो तो, ठीक है, इसको आराम से यूज कर सकते हैं। एक तो इसकी साइज छोटी हो गई, सेकेंड वन इंटेल के अंदर यहाँ पे ये जो यहाँ पे कैपेसिटर है ना, छोटे छोटे टूल्स देख रहे हो, वो यहाँ पे थे, इसने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि इसने वो रजिस्ट्रेट करवा दिया था, कुछ कर नहीं सकते, कुछ अलग बनाना था। सेकंड वन है ना, ये सब पहले AMD किस लिए फेमस था मालूम है, हीट हो रहा है, अभी कभी सुना है हीट हो रहा है, चांस ही नहीं है भाई, अभी इंटेल हीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कूलर हम लगा सकते, कोई सॉकेट चेंज करने का जरूरत नहीं। अपना इंटेल के अंदर एक चीज मैंने देखा है, शायद गलत है, सही है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है मालूम है, इसका सॉकेट बड़ा हो गया ना, तो जब लिक्विड कूलर डाले ना, तो मैंने सुना कि जो अपना बोर्ड है ना हायर एंड, वो थोड़े से बैंड हो रहा है क्योंकि वो कूलर के फोकस के चक्कर में, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन के बोर्ड में आएंगे उसमें कोई इशू नहीं होगा। और साइज इसलिए बड़ा क्या कि एफिशिएंसी कोर के लिए अलग से चिप बनाना था, तो उसके लिए इसने सॉकेट ही बड़ा कर दिया, तो उसमें कुछ जाने, क्योंकि और हीट इसलिए होता है क्योंकि देखो परफॉर्मेंस जो चीज देगी वो हीट होनी है। तो भाई सिंपल नहीं है, हीट होगा उसके पहले उसका सॉल्यूशन नहीं था, आपको लिक्विड कूलर डालो अच्छे से अच्छा, कोई हीट नहीं होगी, परफॉर्मेंस सुपर मिलेगी। तो अभी ओम भाई बात करें, चलो अभी आप इनकी बात ही कर रहे हो, तो भाई CPU ओपन किया है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, छोटे यूजर है, आप
सारे लोग चूतिया लोग क्या बोलूं मैं, गाली देने का मन है। i9 को राइजन 7 से कंपेयर करते हैं। आईलाइन का पैसा कितना दिया? 40,000। राइजन 7 का कितना? 20,000। मतलब एक ही बोलूं, 100 रुपए में कोई भी आप चीज परचेज करते, 100 रुपए वाली से करो। बेस्ट क्या है? और 100 रुपए वाली से ही करो इसको, और अपना राइजन 3600 को 5600 को कंपेयर है, उससे कंपेयर ही नहीं है। उसका प्राइस 17 दिया, इसका प्राइस 30 दिया ऑलमोस्ट। कहाँ से कंपेयर करोगे? 100 रुपए में सबसे बेस्ट चीज क्या, उसके हिसाब से कंपेयर करो। और मैं आपको बताता हूँ बेस्ट सीपीयू क्या है मेरे हिसाब से। नॉर्मल ब्राउजिंग है, टेलीवर्क है, ओके, i3 10th 12th 13 कोई भी ले सकते हो, Ryzen 5 Ryzen 3 भी ले सकते हो। उसके बाद आता है नॉर्मल 50,000 का पीसी बिल करते हो, i5 12th में ही जाओ, 10th में भी बच जाओ, बेस्ट रहेगा। और राइजन में 5600X में ही जाओ, उससे नीचे में जाओ मत। अगर कोई बोले तो वेट करो, क्योंकि पुराने सीपीयू इतने अच्छे नहीं है। 5600 मैंने आज एक भी प्रॉब्लम नहीं देखा, 3600 में बहुत मैंने प्रॉब्लम देखी है, 1000 में से 2-3 प्रॉब्लम आते थे, इसमें नहीं आए अभी तक। ओके, और बात करें गेमिंग, 1,00,000 का बजट है तो सबसे बेस्ट सीपीयू है i5 13th generation 1360 के, जिसमें 5.1 GHz क्लॉक स्पीड होती है, 14 कोर मिल जाते हैं, 24 कैश एम भी मिलता है, क्वालिटी वाइज बेस्ट है। और उसके अलावा अपने राइजन में आप जा सकते हो, अपना राइजन 5 7000 3 7600X वाला, बट इंटेल में एक ही इस लोगों ने एक चीज अच्छी लेके आ गया, इंटेल वाला DDR4 DDR5 दोनों में पीसी बिल्ड कर सकते हैं। मगर अपना इंटेल है ना, सॉरी अपना राइजन, उसमें एक ही है कि इसकी जो बोर्ड है ना भाई बहुत कॉस्टली, तो लोग इसलिए नहीं बना रहे। इंटेल वाले को भी समझना पड़ेगा कि बोर्ड की प्राइस कम करो या कुछ नया लेके आओ। हाँ DDR5 में लेके आए, बट मेरे जैसे गरीब के पास पैसा नहीं होता है तो क्या करे, मेरे को DDR4 में भी बनाना पड़ता है। तो या तो बोर्ड का प्राइस कम करो या रैम, हाँ आने वाला टाइम में रेट कम होगा तब अच्छा रहेगा, बट फिलहाल तो मर रहे हैं ना। तो ये हो गया। और तो अभी ओम भाई यहाँ पे अगर बात करें, इनमें भी वेरिएंट होते हैं, मतलब AMD में भी और मतलब इंटेल में भी। कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें एफ के ये मतलब इनको आप थोड़ा मैं देखो बताया, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बात जी अपना इंटेल से। ओके, इंटेल में एफ है, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं आता, उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, जिसकी जो स्पीड है वहां तक ही, जैसे 4.4 तो वही है, उसे ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर कोई भी बोर्ड में चल जाता है वो ओवरक्लॉक नहीं, उसका खुद के स्टॉक कूलर से ही लगा सकते हैं। ओके, फिर आता है KS के अंदर भी ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, बट हम इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। फिर आता है K, उसे भी हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं, पर उसका इंटेल का खुद का ग्राफिक कार्ड होता है, खुद सॉफ्टवेयर के लिए वो पर्टिकुलर कोडिंग किया। उसके बाद है KS, जो गेमिंग एडिटिंग हर एक चीज में उसको वो लेवल का सीपीयू मान लो, मेरे हिसाब से बेस्ट है। और KF भी ओवरक्लॉक, बट उसमें GPU नहीं आता है। ओके, बात करते हैं राइजन की, तो राइजन में X सीरीज है, ओवरक्लॉकेबल है, ठीक है, जी है, उसके लिए आपको X सीरीज का बोर्ड जी है, खुद के अंदर ग्राफिक कार्ड आता है, बट उसकी क्लॉक स्पीड कम कर लेते हैं या उसकी कैश एम भी कम कर लेते हैं, क्योंकि किनको नॉर्मल बजट है उसको ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करना है, तो जी सीरीज में ग्राफिक्स होता है। ओके, प्लेन है, उसमें किसी में ग्राफिक्स होता नहीं है। ओके, एक्स ओवरक्लॉक के लिए होता है। होता है, तो ये भी आपको पता चलेगा, जिन लोगों को नहीं पता था कि मतलब ये सीरीज होती ना, इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी कोर मत देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, राइजन 1700 के अंदर भी कोर 8 थे, 2700 के अंदर 8 थे, 3700 में भी 8 है, 5800 में भी 8 है, 7800 में भी 8 है। भाई जो कोर टेक्नोलॉजी होती है ना, वो भी एवरी ईयर चेंज होती है। मैं आपको बता दो, i3 12 जनरेशन है, उसमें 4 कोर है, i5 10 जनरेशन में 6 कोर है, बट एवरेज उसकी टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए हैं, तो उसके हिसाब से भी, जैसे कि कोई एक हट्टा कट्टा आदमी 2 आदमी 10 आदमी का काम कर दे, और मरे हुए मेरी तरफ सड़े हुए आदमी 10-20 भी लाओ तो मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे। और भाई एक चीज बोलता हूँ, हो सके ना 12 जनरेशन से ऊपर लो, नीचे सीपीयू मत लो इंटेल में, और राइजन में 5600 से ऊपर वाले लो, नीचे ना लो। बजट कोई कम करके आपको सेलर बोलता है ले लो मत लो, हाँ अगर बजट कम है तो ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता। नहीं करते वो, तो वही जितना ज्यादा नई जनरेशन है उस पे जाने की कोशिश करो, जितना उसके ऊपर अच्छे से कूलर डालो, नॉर्मल कूलर में मत यूज करो। अब नॉर्मल कूलर में हीट करोगे तो प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा। तो अभी ओम भाई यहाँ पे बात करें, आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 साल से आपकी स्टोर है, मतलब आपको एक्सपीरियंस है इतना, तो आपको मतलब पता होगा कि प्रोसेसर में भी कुछ मतलब स्कैम वगैरह होता है कि किस तरीके से कस्टमर घुमा सकते। तो मदरबोर्ड में स्कैम कर लेते हैं, वो आपने बता दिया था उस वीडियो में, ठीक है। सीपीयू में क्या करते हैं मालूम है, कोर का
जमेला, बेस स्पीड का जमेला, मतलब सबसे पहले क्या बोले जैसे कि 2700X है अपना राइजन, उसके अंदर अपने को कोर मिलता है हार्ड कोर 23 अराउंड 35 cache MB, ठीक है, उसका स्टॉक कूलर भी है 2700X, और उसकी जगह पे आप लेने आए थे 5600, इसमें चेक और 12 थ्रेड है भाई, वो कोर कैसे मालूम है? सर इसके कोर अच्छे हैं, ये ले लो, इससे थोड़ा सा आपको कम आएगा, वो ले लो, आपको टिका के दे देते हैं आप। हाँ, आप क्या होता है, आप हमेशा एक्टिवा लेके जाते हो, आप 50 से स्पीड ज्यादा गए नहीं, तो आपको वो भी अच्छा रहेगा, मगर मान ले कभी आपके पीछे कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप 100 पे लेके जाना है, तब उसकी वाट लग जाती है, वो हीट होता है, तब उसकी क्वालिटी होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 5600 6 कोर है, बट 6 कोर भी मतलब बहुत हावी है, मतलब ऐसे ही बोलता हूँ कि अट्टे कट्टे इंसान है 6 और वो सड़े हुए इंसान है, तो उन दोनों को कंपेयर मत करो। अट्टे कट्टे इंसान बहुत फास्ट काम करता है, मेरे जैसे भूखे मरे हुए इंसान उठा हो तो भी उठ नहीं पाता, धीरे धीरे करते, उसमें नहीं पढ़ना है, कोर टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, उस पर जाना नहीं है, बाद में ये ले लो, बोले आपको क्या चाहिए वो ही लो, चेक करो और वो ही लो, जो आपकी बात है ना वो ही लो, ये दे दो वो दे दो, इससे अच्छा ये वो, कुछ नहीं करना है, बजट नहीं है, वेट करो, वेट करो, तो वही है भाई। तो ये थी आज की वीडियो, तो वही मतलब हमने सभी चीजों के बारे में बात की जो आपके हिसाब से लगना चाहिए, मतलब आपको पता है कि ये चीजें देखनी चाहिए, तो भाई वो कमेंट कर दो हमें, जितना नॉलेज मतलब जितना हम बता पाए यार वो उतना हमने बता दिया, और आप बताओ कमेंट में, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यही है सब चीजें, फिर अपना आपका बजट भी आपको देख लेना है, सब चीजें देख लेनी है जो हमने बात बताई आपको, ठीक है गाइस। ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, और भाई मदरबोर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, तो उसके भी वीडियो हमने बना दी है, चेकआउट कर लो, क्योंकि अगर आपने प्रोसेसर अच्छा लगा दिया, मदरबोर्ड ऐसा घटिया सा लगा दिया या बेकार लगा दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस चली जाएगी, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।